और इस बीच एक बड़े अपडेट की बात कर लेंगे। सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फिदायीन अटैक हुआ था, जिसमें 23 सैनिक मारे गए थे। उस हमले के बाद अफगानिस्तान के आतंकी संगठन यानी कि TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आत्मघाती हमलावर का वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन TTP के नेताओं को पकड़कर पाकिस्तान सरकार को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तान इस अटैक के बाद से काफी नाराज है, लेकिन ये वीडियो जो जारी किया गया है वो TTP की ओर से जारी किया गया है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फिदायीन अटैक हुआ था, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे सहयोगी OP तिवारी जुड़ गए हैं। OP, पूरी डिटेल। बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बता दूं, इस अटैक में पाकिस्तान के फौज और पुलिस के 23 लोग मारे गए थे। कल तड़के अटैक हुआ था और इसमें कार विस्फोटक से भरी एक कार पुलिस स्टेशन से टकरा दी थी, और पाकिस्तान के सीधे तौर पर आरोप है कि ये हमला अफगानिस्तान के आत्मघाती हमलावर ने किया है, यानी कि उसका कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के लोगों ने हमला किया था। और TTP जो है वो तालिबान के प्रोटेक्शन में चल रहा है, और अफगानिस्तान से इस बात पर पाकिस्तान बेहद खफा है कि जनरल जो असीम मुनीर है वो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के सामने वो इस मुद्दे को उठा भी चुके हैं। तो ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तलवारें खींच जाए, हो सकता है कि सीमा पर उनकी तीखी झड़पें भी हो। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया OP आपका। तो जो बोया वही काटा पाकिस्तान का इस वक्त हाल है, और ऐसे में एक बड़ी अपडेट।